हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पुनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, आज हम बात कर रहे हैं एम्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है सेशन 2021-22 के लिए। जो एग्जाम हुआ था मेरे दोस्तों पैरामेडिकल और एम्स का, और इसके अलावा बीएससी नर्सिंग एम्स का, तो बीएससी नर्सिंग ऑनर्स एंड पैरामेडिकल की कट ऑफ क्या रहेगी, रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, काउंसलिंग कब तक चलेगी और कब तक कॉलेज अलॉट हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, हमारी इंस्टीट्यूट यानी विजय नर्सिंग क्लासेस एंड विजय एजुकेशन एंड न्यूज आपको बिल्कुल फ्री में एम्स बीएससी नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल और इसके अलावा मेरे दोस्तों राजस्थान के अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस और साथ ही साथ राजस्थान के अन्य जितने भी स्टेट है, चाहे वो बिहार हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, इसके अलावा मेरे दोस्तों यूपी या एमपी हो, इन सभी स्टेट के बच्चों को हम बिल्कुल फ्री के अंदर बीएससी नर्सिंग की, पैरामेडिकल की और फार्मेसी और फिजियोथेरेपी की तैयारी करवाते हैं मेरे दोस्तों। तो आज हमारी टीम के द्वारा जो पूरा विश्लेषण किया गया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि एम्स के अंदर इस बार चूंकि 180 के आसपास सीटें बढ़ चुकी है, तो जब अपन टोटल देखते हैं कि कितनी सीटें हैं, तो करीब करीब मेरे दोस्तों 851 यानी 850 सीटों पे इस बार एडमिशन होंगे इंडिया में एम्स के बीएससी नर्सिंग कोर्स में यानी बीएससी नर्सिंग ऑनर्स में। ठीक है मेरे दोस्तों, आपको पता होगा बीएससी नर्सिंग ऑनर्स के लिए केवल और केवल गर्ल्स ही अप्लाई करती है। ठीक है, अब बात बड़ी यह है कि पैरामेडिकल एंड बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट कितने दिनों के बाद आउट होता है। तो देखिएगा मेरे दोस्तों, एग्जाम हुआ था 28 दिसंबर 2021 में और अब करीब करीब उस एग्जाम के हुए जो है एक सप्ताह से भी ज्यादा का टाइम होने जा रहा है। पिछली बार की अगर बात करें तो एक महीने का समय लगा था मेरे दोस्तों, लेकिन पिछले साल टाइम पे एग्जाम हुए थे, इस बार मेरे दोस्तों एग्जाम 6 महीने डिले हुआ है, 6 महीने लेट हुआ है। यही एग्जाम जून के अंदर होना था, मई जून में, जो दिसंबर में हुआ है। इस वजह से इस बार रिजल्ट को और ज्यादा डिले नहीं किया जाएगा। आपका रिजल्ट मेरे दोस्तों जो है वह करीब करीब 15 जनवरी या इससे पहले तक जारी कर दिया जाएगा। आप ये मान के चले मेरे दोस्तों कि 10 जनवरी से लेकर के और 15 जनवरी के बीच में आपको रिजल्ट का अपडेट 100% मिल जाएगा। यानी आपको अब एक सप्ताह का और इंतजार करना है और एक सप्ताह के बाद आपको खुशखबरी मिल जाएगी आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या रही है बीएससी नर्सिंग की और क्या रही है पैरामेडिकल की, वो जारी हो जाएगी। जैसे ही मेरे दोस्तों आपकी ऑल इंडिया रैंक जारी होगी, उस समय हम और वीडियो लेके आएंगे, हमारी पूरी टीम आपके साथ लाइव जुड़ेगी और विश्लेषण करेगी, आपको बताएगी कि किस रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए। आपको राजस्थान का एम्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको दिल्ली का एम्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको ऋषिकेश एम्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पटना एम्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, ये सारी बातें अपन करेंगे। ठीक है, अब बात बड़ी ये है कि सर मैंने एग्जाम तो दिया, लेकिन क्या आंसर की के द्वारा मैं चेक कर सकता हूं क्या? तो मेरे दोस्तों, एम्स आंसर की जारी नहीं करती है बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए, तो इस बात को आप ध्यान रखें। कट ऑफ के बारे में मैंने बता ही दिया है, आपका रिजल्ट ही आपकी कट ऑफ है, एक तरह से आप यह समझ लें, जो 10 जनवरी से 15 जनवरी के बीच जारी हो जाएगा। मैं आज कंप्लीट डिटेल दूंगा आपको डॉक्यूमेंट के बारे में, काउंसलिंग के बारे में, फीस के बारे में, हॉस्टल के बारे में। ठीक है, इसलिए आपको ये वीडियो वास्तव में अच्छा लगता है, आपको जानकारी यूजफुल लगती है, मेरे दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि हमारी पूरी टीम बीएससी नर्सिंग के लिए, फार्मेसी के लिए, पैरामेडिकल के लिए मेरे दोस्तों रात दिन एक कर रही है, आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ा रही है।
अब इसके बाद में बड़ी बात यह है कि सर काउंसलिंग प्रक्रिया फिर कब तक चलेगी? तो भैया अगर आपका रिजल्ट जारी हो जाता है 10 से 15 जनवरी के बीच तो तुरंत काउंसलिंग प्रक्रिया और कॉलेज की चॉइस आपसे भरवाई जानी शुरू कर दी जाएगी, यानी एक सप्ताह का इसमें टाइम लगेगा और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी, ठीक है। और इसके बाद में मेरे दोस्तों जैसे सीटें फुलफिल हो जाती है वैसे काउंसलिंग के अलग अलग राउंड चलेंगे, ठीक है। अब सुनिएगा, जब आप मेरे दोस्तों काउंसलिंग के लिए कॉलेज की चॉइस भरेंगे तो वो तो आप अपने जो भी आपकी ऑल इंडिया रैंक आएगी उसके अकॉर्डिंग भरना है, और कौन सा कॉलेज भरना चाहिए उसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। तो वो तो रिजल्ट आने के बाद अपन देखेंगे कि किस रैंक पे कौन सा कॉलेज भरना चाहिए। जैसे कोई राजस्थान का स्टूडेंट है तो उसे एक नंबर पे दिल्ली एम्स भरना चाहिए और दो नंबर पे जोधपुर एम्स भरना चाहिए, है कि नहीं। तो इसलिए अलग अलग राज्य में जो भी जिस स्टेट से आता है उसे मेरे दोस्तों, दिल्ली तो हर एक बच्चे की ख्वाहिश होती है दिल्ली एम्स, ठीक है ना। चलो ये बात हो गई। अब इसके बाद में बड़ी बात यह है कि जब हमारी काउंसलिंग चलेगी सर तो हमें रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज में हमारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट काउंसलिंग से पहले ही तैयार रखने हैं? मेरे दोस्तों मैं क्लियर कहना चाहता हूं, आपको काउंसलिंग से पहले अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखने पड़ेंगे और आज ही से आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। मेरे दोस्तों एक तो आपको जो एडमिट कार्ड है उसकी फोटोकॉपी अपने साथ रखनी पड़ेगी, जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है। अगर आपका वो एडमिट कार्ड खो गया है, फट गया है, तो नया अब भी निकल रहा है वेबसाइट पर, पता नहीं बाद में निकले या नहीं निकले, तो अभी तुरंत आप एम्स की वेबसाइट पर जाकर के दोबारा एडमिट कार्ड प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी चाहिएगा, रिपोर्टिंग के टाइम कॉलेज में जमा करवाना पड़ेगा, तो इसलिए आप अपना एडमिट कार्ड, आप अपना फॉर्म, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा मेरे दोस्तों दसवीं और बारहवीं की जो मार्कशीट है उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तीसरा आपको बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में, जन्म प्रमाण पत्र के रूप में मेरे दोस्तों आपको 10th की मार्कशीट का वो सर्टिफिकेट चाहिएगा जिसपे आपका फोटो लगा होता है। इसके अलावा आपको मेरे दोस्तों माइग्रेशन सर्टिफिकेट या TC की भी जरूरत पड़ेगी जिसे प्रवजन प्रमाण पत्र भी कहते हैं। इसके अलावा चाहे आप पैरामेडिकल से हैं या एम्स से हैं, दोनों के लिए प्रोसेस सेम है मेरे दोस्तों, पैरामेडिकल और BSc नर्सिंग दोनों में सेम डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, जनरल कैटेगरी को छोड़ करके बाकी सभी को कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। लेकिन मेरे दोस्तों आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला होना चाहिए, आपके स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट काम नहीं आएगा। और आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो भी मेरे दोस्तों 28 दिसंबर 2021 से पहले का बना हुआ होना चाहिए, अगर आपने अभी जाति प्रमाण पत्र बनाया है तो वो काम नहीं आएगा, 28 दिसंबर से पहले का बना हुआ होना चाहिए। और कितना पुराना होना चाहिए तो इसकी मेरे दोस्तों एम्स ने एक डेट दी है, ओबीसी वालों को एक डेट दी है कि ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनका 15/6/2020 से लेकर के 28/12/2021 के बीच, ठीक है। और इसके अलावा जो बच्चे EWS कैटेगरी से हैं उनका 1/4/2021 से 28/12/2021, और इसके अलावा मेरे दोस्तों यही सेम क्राइटेरिया पैरामेडिकल के लिए हैं, यही ओबीसी के लिए हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, इससे ज्यादा पुराना जाति प्रमाण पत्र ओबीसी के नहीं चलेगा और यह EWS का, ठीक है। अब बात करते हैं कट ऑफ की। मेरे दोस्तों मैं एक बार एक अस्थाई आइडिया आपके सामने रख रहा हूं और मैं आप सभी से आह्वान और आग्रह करता हूं कि यदि आपने एम्स BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल का एग्जाम दिया है तो आप इस वीडियो के नीचे ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट करें और आपके लगभग कितने नंबर आ रहे हैं आप ये नंबर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।
उससे मेरे दोस्तों एक आइडिया लगा लेंगे हम लोग। वैसे मेरे पास में बड़ी संख्या में बच्चों के मैसेज आए हैं, ठीक है, लेकिन मुझे और भी एक बड़े डाटा की जरूरत है मेरे दोस्तों। इसलिए आप सभी से आह्वान करता हूं कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। अगर आप पैरामेडिकल का एग्जाम दिया है तो आप लिखना पैरामेडिकल और सामने नंबर, और आपने बीएससी नर्सिंग का दिया है तो बीएससी नर्सिंग और सामने नंबर, जिससे और कैटेगरी अपनी जरूर लिखना मेरे दोस्तों। अगर किसी बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला बना हुआ नहीं है तो क्या वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा क्या? नहीं, फिर मेरे दोस्तों वो अनरिजर्व कैटेगरी में, यानी उसका जनरल कैटेगरी से काउंसलिंग होगी, ठीक है, इस बात को याद रखें आप, ठीक है। और अगर किसी बच्चे का डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के समय अगर नहीं होगा तो उसे काउंसलिंग में मौका तो दिया जाएगा लेकिन उसे 5 दिन का समय देंगे, और 5 दिन के लिए उसे मेरे दोस्तों 1,00,000 रुपए की डीडी कटवानी पड़ेगी और वो जमा करवानी पड़ेगी एम्स में। और अगर वो 5 दिन के बाद भी डॉक्यूमेंट नहीं लेकर आता है तो उसका वो पेमेंट वापस रिफंड नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह का खतरा क्यों मोल लेना, अपने तो डॉक्यूमेंट पहले से ही तैयार रखने, ठीक है। चलो अब जनरल के अब कटो की बात करें अगर, तो मेरे दोस्तों मैंने एक अस्थाई आपके सामने कटो रखी है। इन चीजों को कोई अदरवाइज नहीं ले, मैं किसी भी बच्चे का मनोबल गिराना नहीं चाहता। अगर आपका मैंने जो भी दायरा बताया है इससे अगर 1-2 नंबर कम भी है तो हो सकता है इस बार कट ऑफ थोड़ी कम रहे, क्योंकि इस बार फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर काफी टफ था, बायो इजी थी, ठीक है। तो देखिएगा मेरे दोस्तों जनरल के लिए जो कट ऑफ है वो मेरी जो बच्चों से बात हुई है उसके आधार पर यह आइडिया लग रहा है कि लगभग 70 के आसपास कट ऑफ रहेगी, 70 के आसपास, 70 से 72 के बीच में ही कट ऑफ रह सकती है, यहां से 1-2 नंबर कम भी हो सकती है मे बी, ठीक है। अब अगर मेरे दोस्तों ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 68% के आसपास रहेगी। मैं आपको ऑल इंडिया रैंक भी बता दूंगा कि कैटेगरी वाइज क्या रैंक रहनी चाहिए और आपकी ओवरऑल रैंक क्या रहनी चाहिए, लेकिन रैंक को लेकर के एक अलग वीडियो बना देंगे अपन, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्द अगले सप्ताह में आपका रिजल्ट भी आ रहा है। अब अगर बात करें एससी की मेरे दोस्तों, तो एससी में जिनके 60+ नंबर है, 60 के 1 नंबर ऊपर नीचे हैं, तो उसका नंबर आने की संभावना है, ठीक है। इसके बाद अगर एसटी की बात करें तो उनके अगर 56 से 58 के बीच में है तो उन्हें कॉलेज मिल जाएगा। और अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो उनके अगर मेरे दोस्तों 63 से लेकर के 66 के बीच में है उन्हें कॉलेज मिल जाएगा। ये एक हमने बच्चों के जो मैसेज आए हैं, बच्चों के जो कमेंट आए हैं, उसके आधार पर एक अस्थाई कट ऑफ आपको बताइए। अब आप और बड़ी संख्या में मैसेज करके मुझे बताएं आपके नंबर किस दायरे में आ रहे हैं, किस परास में आ रहे हैं, उसके आधार पर हम एक और नतीजा निकाल के आपके सामने रखेंगे। मेरे दोस्तों ये चैनल आपका अपना है, आप जितने भी नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी और फिजियोथेरेपी के बच्चे हैं इनके लिए ही मैंने ये चैनल ऑनलाइन ओपन किया, जिसमें मैं हर एक न्यूज आपके साथ शेयर करता हूं, साथ ही साथ मैं ऑनलाइन क्लासें दे रहा हूं बिल्कुल फ्री में। बहुत सी टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है, बहुत से मॉडल पेपर लॉन्च किए मेरे दोस्तों आपके लिए, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और हमारी क्लासों की कोई फीस नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते रहेंगे। तो मेरे दोस्तों आपको इस नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना, और साथ ही साथ मेरे दोस्तों आगे आने वाले गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।